तो भाई कैसे आप सब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो भाई आज हम लेके आए हैं i20 पेट्रोल और भाई स्विफ्ट डीजल की ड्रैग रेस। तो भाई ये i20 है, ये इसमें 1200 सीसी का इंजन आता है, 81 हॉर्स पावर और 114 न्यूटन मीटर टॉर्क। और भाई दूसरी तरफ है अपनी स्विफ्ट VDI, ये भाई काफ़ी पुरानी हो चुकी गाड़ी, इसको हो चुके कम से कम 8-9 साल हो चुके हैं। इसमें आता है 74 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो एक बार भाई ओनर से पूछ लेते हैं, भाई क्या क्या लगता है भाई, कौन सी जीतेगी भाई? डीजल का मुकाबला नहीं है। अच्छा आपको लगता है डीजल जीतेगी? बिल्कुल भाई। एक बार भाई i20 वाले भाई से पूछते हैं, क्या लगता है भाई कौन सी जीत सकती है? किसी को पता है कि रेस करके देखनी है। रेस चलो भाई, रेस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो भाई करते हैं, दो दो बंदे रहेंगे दोनों गाड़ियों में, चलिए भाई करते हैं। तो भाई फर्स्ट राउंड कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ स्विफ्ट में और इधर खड़े i20 भाई। भाई AC भी ऑफ है, ट्रैक्शन भी ऑफ है, फर्स्ट राउंड है। भाई इनिशियल में निकल गया हम तो, और i20 भाई कवर बना ना, कोई कवर नहीं बना रही i20। लॉन्च में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो भाई पहले राउंड में स्विफ्ट जीत चुकी थी बहुमत से, अब भाई सेकंड राउंड है। इस बार थोड़ा पास तक है, फिर से लॉन्च कर दी। बढ़िया साथ चल रही है दोनों, ज्यादा गैप आया नहीं इस बार। तो भाई अब हम i20 में मैं बैठा हूँ, i20 से मैं चलाऊंगा और भाई मेरे साइड साथ में बैठे हैं। और भाई स्विफ्ट वाले भैया को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, अब ये भाई बैठेंगे 5 जने अपनी में, आप देख सकते हो 5 जने गाड़ी में। ठीक है अब करके देखते हैं एक बार लास्ट राउंड। भाई थर्ड राउंड है, 5 लोग बैठे हुए, एडवांटेज दे रहे हैं i20 को। टक्कर कांटे की टक्कर, वो पीछे रह गई भाई। एडवांटेज का फायदा तो हुआ है, अभी भी दोनों साथ ही चल रहे हैं, कवर बना लिए भाई, निकल सकती है, निकल सकते हैं, उसने ब्रेक ले लिया, निकल जाती। पांच जने बैठे थे यार उसमें। अच्छा वही तो, और हमने लॉन्च भी लेट किया है वैसे थोड़ा। हाँ लॉन्च हमारा लेट ही हुआ थोड़ा। तो भाई जो पहले दो राउंड करे जब बराबर बंदे बैठे थे तो भाई स्विफ्ट ही जीती, जीतनी थी वैसे तो, पर भाई जब इसमें स्विफ्ट ने 5 बंदे बैठा दिए और इसमें 2 बंदे बैठे थे तो हाँ भाई i20 तब बहुत आगे निकल गई थी। तो भाई ये था, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।